गुड इवनिंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने के पापड़। तो ये देखिए, यहाँ पर हम साबूदाना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस कटोरी से 2 कटोरी साबूदाना लिया है। आप साबूदाने की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप साबूदाने की मात्रा को जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, हम सबसे पहले साबूदाने को 2 से 3 बार अच्छे से धुल लेंगे इस प्रकार से, और इसका पानी जो है हम निकाल देंगे। तो ये देखिए, साबूदाना जो है अच्छे से धुल गया है, और अब हम इसमें और पानी डाल देंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए, हमने साबूदाने से थोड़ा सा पानी ऊपर रखा है, क्योंकि जब साबूदाना फूलता है तो उसको पानी की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हमने जो एक्स्ट्रा पानी डाला है वो साबूदाना जो है पानी को सोख लेगा। अब हम इसको रात भर गलने के लिए छोड़ देते हैं। और ये देखिए, हमने ढक दिया है इसको, और हम रात भर रखा रहने देंगे इसको इसी प्रकार से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने के पापड़। तो ये देखिए साबूदाना, ये देखिए साबूदाना हमारा गल गया है। इसको हमने रात में गला के रख दिया था। तो ये देखिए दोस्तों, साबूदाना बहुत अच्छे से गल गया है, दाना दाना फूल गया है, और ये देखिए बिल्कुल भी हाथों से नहीं चिपक रहा है। आप जो है अगर खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो आप रात में साबूदाने को गला कर रख सकते हैं, और सुबह जब आप इसकी खिचड़ी बनाएंगे तो खिचड़ी भी बहुत ही अच्छी खिली खिली बनेगी। तो ये देखिए, साबूदाना बहुत ही अच्छे से गल गया है हमारा। तो दोस्तों, पापड़ बनाने के लिए हम पहले कढ़ाई में जो है पानी गरम कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने कढ़ाई में जो है पानी गरम करने के लिए रख दिया है, और अब हम इसको ढक देंगे जिससे कि पानी जल्दी गरम हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने इसको ढक दिया है, और उबाल आने तक हम इसको गरम करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हम पानी देखते हैं। तो ये देखिए, पानी कुनकुना हो गया है, और अब हम साबूदाना डालने से पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। तो ये देखिए दोस्तों, हम साबूदाना डालने से पहले इसमें डालेंगे जीरा। मैंने यहाँ पर लगभग 1 चम्मच जीरा लिया है छोटी चम्मच से, और ये जीरा हम डाल देंगे इस पानी में। ये दोस्तों, पानी अच्छे से उबलने लगा है, अब हम डाल देंगे इसमें साबूदाना। तो ये देखिए, ये जो साबूदाना है अब हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो साबूदाना है वो ऊपर आने लगा है, हल्का ऊपर ऊपर आने लगा है, और धीरे धीरे जो है ये कलर भी बदलता जा रहा है इसका। तो मैं डाल देती हूँ यहाँ पर 1.5 चम्मच सेना नमक। तो दोस्तों, नमक की मात्रा को आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जो है साबूदाने के फरियाली पापड़ बना रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने डाला है सेना नमक। आप इसमें खाने वाला नमक भी डाल सकते हैं, और आप अपने स्वाद अनुसार इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं पीस करके, लेकिन मैं यहाँ पर काली मिर्च नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो आप काली मिर्च डाल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हम इस साबूदाने को तब तक चलाएँगे जब तक ये बिल्कुल खराब की तरह ना दिखने लग जाए। देखिए दोस्तों, इसका कलर चेंज हो गया है, ये देखिए। कलर चेंज होता जा रहा है। अब हम इसको और करेंगे, और उकालेंगे जब तक ये बिल्कुल कांच की तरह ना दिखने लग जाए। तो ये देखिए, हमारा साबूदाना जो है बिल्कुल कांच की तरह दिखने लगा है। हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा और करेंगे, क्योंकि अभी ये पतला है तो हमारे पापड़ डालने में सही से नहीं बनेंगे, ये फैल जाएंगे सारे। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा और गाढ़ा कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, साबूदाना जो है पापड़ बनाने के लिए तैयार है। और ये देखिए, साबूदाने को हम इस प्रकार से रखेंगे, ना तो ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा।
तो ये देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं छत पर और यहाँ पर जो है मैं पापड़ डालने के लिए पन्नी का इस्तेमाल करूँगी। आप कपड़ा भी उपयोग में ला सकते हैं। देखो ये देखिए यहाँ पर ये जो है साबूदाना जो पापड़ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बिल्कुल कांच की तरह हो गया है। पन्नी हवा में उड़े नहीं, इसलिए मैंने चारों छोर पर जो है ईंट के टुकड़े रख दिए हैं। और अब ये देखिए हम जो है पापड़ डालेंगे इसके। इसी प्रकार चम्मच से फैलाते जाएंगे हम। आप पापड़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पापड़ जो है इतना बड़ा रख रही हूँ। तो ये देखिए चम्मच की सहायता से हम सारे पापड़ इसी प्रकार से बना लेंगे। दोस्तों इस तरीके से पापड़ बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से पापड़ बन रहे हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही खस्ता बनते हैं। आप कभी भी जब भी व्रत रहते हैं तब इनका उपयोग कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया पापड़ लगते हैं ये। तो ये देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी जल्दी पापड़ बन रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारे पापड़ बना लिए हैं और ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सफाई से पापड़ बने हैं। अभी जो हमने पापड़ डाल दिए हैं और ये सूख जाएंगे तो एक बार हम इनकी पलटी मार देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी सूख जाएं। देखिए दोस्तों, पापड़ जो हैं एक साइड से सूख गए हैं। अब हम इनको पलट देंगे जिससे कि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सूख जाएं। इसी प्रकार से ये देखिए हम सारे पापड़ पलट देंगे और ये देखिए कोई सा भी पापड़ टूट नहीं रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसानी से पापड़ निकल रहे हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से हम सारे पापड़ निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने सारे पापड़ पलट दिए हैं। अब हम इनको अच्छे से सूखने देंगे। ये देखिए कोई सा भी पापड़ टूटा नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, पापड़ बहुत अच्छे से सूख गए हैं। आइए अब हम पापड़ को तल के देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पापड़ तलने पर काफ़ी बड़े हो रहे हैं और देखने पर ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कुरकुरे दिख रहे हैं और बहुत खस्ता भी दिख रहे हैं। तो ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, पापड़ तैयार हैं। और ये देखिए मैं आपको एक पापड़ जो है तोड़कर दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता और बहुत ही कुरकुरे पापड़ बने हैं। तो ये देखिए तोड़ने पर आसानी से टूट गया है पापड़। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया कुरकुरे, बहुत ही खस्ता पापड़ बने हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।